जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो सालाना इलेक्शन का मेला है वो सज चुका है। मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन जो है कायम किए गए हैं। ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा लाहौर हाई कोर्ट, मुल्तान बेंच में भी बनाया गया है। यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन के 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिस पर सदर हाई कोर्ट बार राणा आसिफ सईद जो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप हॉल में देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकला की जो भारी तादाद है यहाँ पर मौजूद है, अपने अपने कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको दिखाएं तो इसमें जो वकला हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट का मुतालबा भी करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ आने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकला को जो है अपने कैंडिडेट के लिए वोट के लिए बुलाया जा रहा है, उसका वोट कास्ट कराया जा रहा है। दिन भर रहने वाला ये रश जो है दिन भर लगा रहेगा, मेला सजा रहेगा। मुख्तलिफ जो है फोरम्स के वकला की जानिब से भी वोटों की इस्तेदा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो सालाना इलेक्शन है इनका इनाकाद एग्जैक्ट एक साल के बाद किया जाता है। इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी कि हामिद खान ग्रुप के जो है अब्दुल कदूस यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह जो एहसन भून ग्रुप के भी एक कैंडिडेट जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह दीगर जो सीटें हैं नायब सदारत की, जनरल सेक्रेटरी की, एडिशनल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और दीगर जो सीटें एग्जेक्टिव की हैं उन पर भी मुकाबला जो है लड़ा जा रहा है। वकला पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो इस हॉल के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फ़राइज़ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, सदर हैं हाई कोर्ट बार के राणा आसिफ सईद जो इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो हैं फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, खुश असलूबी से ये मामला तय पा रहे हैं। अभी तक अगर बात की जाए तो 30% के करीब जो है वोट कास्टिंग का सिलसिला जो है मुकम्मल हो चुका है। बाकी 70% वकला जो है शाम गए तक जो है अपना वोट कास्ट करते रहेंगे। 243 के करीब जो वकला हैं वो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच और लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच के साथ जो अटैच हैं, यानी कि ये 243 वकला हैं जिनके पास सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का लाइसेंस है, ये अपना हक राय दही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ नशिस्तों पर जो है मुकाबला जारी है, वकला पुरजोश हैं अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए। वो तेज़ी के साथ जो है वोटों की जो है हक राय दही इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर खुश असलूबी से जो है फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं। तमाम दिन जो है ये रश लगा रहेगा। ख़वातीन की तादाद भी है यहाँ पर, बच्चे भी आए हुए हैं और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। सिक्योरिटी के भरपूर तौर पर इंतजाम किए गए हैं और हर आने वाले वकील को जो है वेलकम किया जा रहा है हॉल के अंदर। ये वकला का जो एक रवायती सिलसिला है इलेक्शन का, ये हर साल मुनक्किद किया जाता है और इसमें बिला तखीर जो है इलेक्शन होता है हर साल, चाहे हालात कोई भी हो, मुल्क में कोई भी हालात हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सालाना इंतखाबात का सिलसिला जारी रहता है। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि ये सिलसिला जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दोपहर में 1 घंटे का जो है वक्फा किया जाएगा जिसमें नमाज और खाने का वक्फा शामिल है। रिज़ल्ट जो आएगा उसके बाद भी हम अपने जो नाज़रीन हैं उनको इस बारे में मुतला करेंगे। जी अब ये बन गई।